श्री हरिवंश महाराज जी आपके को कोटी कोटि नमन गुरुजी मैंने हॉस्टल में कक्षा दस में कुसंग के कारण हस्त मैथुन करने लगा कक्षा बारहवीं के एग्जाम के कुछ महीने पहले मैंने इसे छोड़ दिया मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझसे महापाप हो गया महाराज जी मैं उस महापाप को बस आपको अकेले में बताना चाहता हूँ महापाप के कारण मेरी मानसिक बुद्धि खराब देखो जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता है कि अब क्या होगा सब कुछ हो सकता है जैसे सीढ़ी से फिसल गए हाथ टूट सकता है खोपड़ी फूट सकती है कुछ भी हो सकता है अब फिसल गए तो फिसल गए तो अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया तो जो कुछ हुआ जब फिसल गए तो जो कुछ कुछ भी हो सकता है देखो ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है जैसे मानो काम है अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगते हैं नहीं हमारा क्या उन्हें देखता वो ऐसे ही जब काम आ जाता है तो कोवा मदान्धो मदनातुरोवा। मदना बोले अंधों में अंधा मतलब बड़ा अंधा कौन है बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा कर दी अब वो कुछ भी कर सकता है मतलब अब उसमें ये ये कर सकता है ये कर सकता है ये नहीं वो कुछ भी कर सकता है आप समाचारों में सुनते हैं लोक में देखते हैं वो संभल नहीं पाए काम ने अधिकार कर लिया सर्वनाश कर दिया तो वो तो बात छोड़ो जो हो गया उसको तुम भूल जाओ एक बुरा स्वप्न मान करके जब हम कह रहे हैं वैसे चलो अगर तुम्हारी हालत बच्चा ऐसी जैसे अब तुम्हारे एक तरफ देख रहे हैं यही तो इसी बात का तो हमारा दुख है कि हमारी नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही और डॉक्टर और सलाहकार ऐसे मिलते हैं कि वो प्रोत्साहन दे देते हैं कि फिसिटेशन क्या हाँ अब इसका अर्थ क्या होता है तनाव तनाव तनाव, 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 तनाव तना तो देखो इसका चेहरा कितने तनाव से युक्त है और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है जिसमें संयम होता है जो सत्य मार्ग वो तनाव मुक्त मुख प्रसन्न तेज विराजा की चंद्र कर का जा मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना उसका चेहरा ही ऐसा अब कितनी किशोर अवस्था बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति एकदम चमकता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं क्योंकि क्यों, ब्रह्मचर्य होता है अब ये ये अवस्था ब्रह्मचर्य हीन करने की है और ये कह रहा पहले से हम कर रहे हैं इसीलिए जब इस विषय ये विषय आता तो कहते भैया सावधान हो जाओ ना ये डॉक्टर जानते हैं और ना तुम्हारे सलाहकार जानते हैं तुम खुद बताओ अब जैसे बच्चा खुद देखो तुम्हारी हालत क्या है जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं वो खुद देखें उनकी हालत क्या है सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है उनकी स्मृति में दम नहीं रहती दूसरी शरीर के जोड़ों से क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़ वो कहीं एक जगह नहीं जैसे कि भाई पित्त की थैली ऐसे कोई ऐसा नहीं है पूरे शरीर में आपके वो जीव ही ऐसी चेष्टा होती ना वो मंथन करता है एक मनोवाह नाड़ी है तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना मंथन कर ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है एक मन अन्न अच्छा स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है जिसे सप्तम धातु वीर कहते अभी बच्चे हैं इनको तो पता है नहीं उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है बस किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं और हालत ये हो रही अच्छा ये चर्चा ऐसी है कोई करता नहीं माता पिता बैठ के बता नहीं सकते बच्चों को अच्छा संत महात्मा क्यों ऐसी गंदी बात पे बोले वो तो भगवान की चर्चा करेंगे कोई कर अब हमारे पास भगवत कृपा से जैसे बच्चे आए सब नए नए तो फिर लगा कि इस विषय पर इनको ज्ञान होना चाहिए इसीलिए वो यूट्यूब में डलवाया कि नहीं ये चीज़ें बातें थोड़ी की मतलब गंदी बातें कौन करे हम राधा राधा बोले कि गंदी बातों का विश्लेषण करें उसकी व्याख्या करें पर लगा मुझे ज़रूरी कि अगर समाज का मंगल होगा तो पहले संयम आना चाहिए हमारी जो नई पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही अब क्या जैसे इसके मन में बैठ गया कि मेरे से बड़ा पाप हो गया मेरे से गलती हो गई अब ये टेंशन बढ़ता चला जाए और निर्णायक बुद्धि फेल हो चुकी है तो फिर यही होता है कि अब तो आगे लिखा है जी, कई बार आत्महत्या करनी आ गई ना बात देखो आ गई ना बात हाँ हाँ आ गई ना बात वही हम समझाते हैं समझ में नहीं आ रहा सबसे हाथ जोड़ते हैं चाहे अच्छा अब पुरुष से पुरुष शरीर से तो ऐसे बात कर ली लेकिन बच्ची उसे कैसे बात करेंगे लेकिन ये दोष बराबर दोनों में है ऐसा नहीं कि पुरुष में ही दोष है अच्छिचिड़ा स्वभाव हो गया अब ड्रग्स ले रहे हैं गांजा पी रहे हैं नशा कर रहे हैं मतलब क्या हालत हमारे बच्चों की हो रही है आप देखो ना माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नौकर से बात करते हो धिकार देते हैं ऐसे मतलब ज्यादा करें तो मतलब माता पिता को भी भय प्रदान करने वाली चेष्टा कर सकते हैं अच्छा मैंने सुना है होते हैं, वो भी इसको जो कर देते हैं। जो मतलब दिक्कत नहीं होती है वो डॉक्टर मतलब एलोपैथिक में इसके लिए निषेध नहीं किया गया है भैया वो चीज प्रमोट करती अच्छा आप बताओ ये बच्चा है ये क्या बोल रहा है अगर हमारी बात डॉक्टर की बात के विरुद्ध है तो इस बच्चे की बात सुनो ये आ, क्या कह रहा है आप एकदम सत्य हैं नहीं हम नहीं सत्य जैसे दो पक्ष हो तो फिर अब इसने किया अनुभवी है इस बात का अब आप जो हम बोले कि अभी कुछ दिनों बाद अभी भावना बनने लगती कि सर लिखा है ना तो ये बच्चे ने हालत कर ली ना तो गलत है ना गलत है ना तो अब उस डॉक्टर को क्या कहोगे आयुर्वेदिक में इसको मना किया गया है देखो जब आप संयम से रहेंगे ना और फिर गृहस्थी में जाएंगे ना तो आपकी संतानें बहुत पुष्ट होंगी और आप एक सच्चे गृहस्थ बन सकते हो जैसे आप हम कई बार समझाए उसको कैसे समझाए हम तो किसान के घर हुए तो जानते हैं जैसे गेहूं की फसल होती है तो एक होता है एक स्थिति आती है उसको कहते गलेत गले का मतलब होता है अभी बाली निकल रही है और उस समय गेहूं की फसल काट लो तो ना ठीक से भूसा होगा ना एक दाना मिलेगा एक दाना नहीं मिलेगा वो ये फसल है काट दी अच्छा एक महीना केवल रुक जाओ पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया बोले कितना बोले अस्सी तो बाईस तक ब्रह्मचर्य रहो फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा ये स्थिति नहीं आ पाएगी मस्त रहोगे तभी तो सही सर... भाई गुरुकुलों में यही तो शिक्षा दे के गस्थी में भेजा परिपक्व करके अब देखो कैसे बताएं अब तुम बहुत छोटे हो बच्चा और बहुत बुरी स्थिति अपनी कर ली अच्छा जैसे मान लो सलाहकार मित्र हैं इन बच्चों के सलाहकार कौन मित्र हैं वो तो कहें हम लोग करते हैं अच्छा अब किसी बड़े से बात करें तो हिम्मत नहीं रह गई अच्छा संसारिक आदमी में उसको खुद ज्ञान नहीं है मान लो जैसे माता पिता संसार में रत हैं उनको खुद ज्ञान नहीं कि मुझे क्या इस समय निर्णय करना चाहिए ये तो भगवान की कृपा को कि संतों की वाणी आप तक पहुंच रही है नहीं तो इस विषय पे नहीं बोला जाता चार पन्ने में लिख के लेके आया हूँ मुझे पूछना है मतलब उनको बताना है चार नहीं पूरा रजिस्टर लिख सकते हो तुम्हारी इतनी कमियां हो चुकी है शरीर में अब अगर हमारी बात मान सत्य में पाप हो गया है छोड़ दो तुम इस समय देखो देख रहे हो ना इसकी बुद्धि क्या होता है हम ना सबसे बड़ी कमी होती है कि उसमें बचाओ अपने बच्चों को बचाओ अपने समाज को बचाओ यार, नहीं बचाओ नहीं कि अभी सब को पागल कहने लग गए अब हम वो शब्द नहीं उच्चारण कर रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं सबसे बड़ी जो कमी बचाओ बच्चों को बचाओ अभी नादान बच्चे अपना नाश कर लिया अभी क्या बनेंगे ये भारत की सेवा करेंगे ये माता पिता की सेवा करेंगे अरे ये अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं रह जाएंगे बस कैसे हम इस विषय पर क्या बोले अब और नाम जब करो भाई अब हमारे बस की तो बात रहे अब हम जादू टोला तो जालते ले कि छू छा कर दे या कुछ ऐसा सीधी बात धर्म से भगवत मार्ग से शास्त्र संयम से चलने की चर्चा यहाँ है यहाँ और कुछ तो नाम दवा जानते हैं आयुर्वेदिक वैद्यों से मिले इस समय औषधि लेनी चाहिए क्योंकि अब आगे बढ़ गया है मामला ऐसा बढ़ गया है कि वो सुधरेगा तभी जब बहुत प्यार और शासन दोनों होने चाहिए और बहुत निरीक्षण होना चाहिए और औषधि मिलनी चाहिए और बलयुक्त पदार्थ पवाने चाहिए और इस बात का निरीक्षण होता रहे कि तुम उन पदार्थों के पावर को बाहर न करो तो भले संभल सकता है नहीं तो अब क्या किया जाए क्या किया जा सकता है तो राधा राधा जबते हो कुछ देर क्या वैदिक मंत्र षडक्षर मंत्र सिद्धि का जबते चलते थे थोड़ा सा औषधि के रूप में जो वो भी मंत्र जपने की योग्यता तब होती जब गुरु मंत्र ले ले और सच्चे आचरण से चले बात समझते हो ये वैदिक मंत्र जो गुरु प्रदत्त होते हैं उन्हीं से प्रवाह होता है ऐसे नहीं कि मनमानी वैदिक मंत्रों को नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारी वचनों पर किस, जी, मैं आपके से, से को बस अपना बता दे जो महाराज जी ने बताया उसको नहीं कुछ बताने बच्चा देखो जब गंदे मार्ग में हमारा पैर फिसल गया तो सब कुछ हो सकता है मत बताओ इससे बताओ स्वस्थ नहीं किया है उसके अलावा सब हम सब जानते हैं बच्चा तुम रहने दो बताने की जरूरत नहीं तुम चिंता मत करो एक बार तुम स्वस्थ हो सब ठीक हो जाएगा ऐसा अब हम प्रणाम करते हैं बच्चा हम क्या सहयोग कर सकते हैं हमारी बात जब तक हमारे पास केवल परमार्थ है बात समझो हमारे पास लौकिक तो है नहीं कि हम कुछ कर सकें तो हम भगवान से जब हम कह रहे हैं हमारी बात मान लो तो तुम मान ही नहीं रहे यार हमारी बात कोई दंड नहीं आप सुधार करो तुम तो। बात तो मान लो ना जैसे एक बड़े भाई की बात मानते हैं मित्र की बात मानते हैं देखो अगर भगवान को तुम मानते हो तो हम भगवान के हैं कि नहीं मानते हो कि नहीं मानते भगवान अपने से ज़्यादा अपने भक्ति की बात मानते हैं परण विशार भगत को पूर्व परण तो हम तुमसे कहें बच्चा हो तुमसे गलती हो गई आगे गलती ना करो उनका दंड नहीं मिलेगा समझ रहे हमारी बात थोड़ा शासन की जरूरत है थोड़ा प्यार की जरूरत है क्योंकि शासन के बिना नहीं सुधरेगा शासन और प्यार दोनों ऐसे हैं जो किसी को भी सुधार सकते हैं प्यार की भी जरूरत है तुम्हें तो अच्छा सात्विक भोजन देख रेख तुम्हारी अब आजकल के माता पिता अपने में उनको समय नहीं है तो बच्चों को कैसे समय दें इसलिए हम कई बार कहते हैं कि माता पिता को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए अपने बच्चों से ऐसे मिलो कि वो तुमको इतना प्यार करें कि छुपा ना पाएं अगर अच्छा तुम थोड़ा तो सत्संग सुनो कि माता पिता का कर्तव्य क्या होता है अब माता पिता अपने विलासिता में इतने मगन हैं कि उनके संस्कार बच्चे देख देख करके वो और बिगड़ रहे माता पिता के आचरण देख करके बच्चों को सुधरना होना और यहाँ हम खुद ऐसे आचरण कर रहे हैं ऐसे व्यवहार कर रहे हैं हँसी मजाक वार्ता की पता नहीं कि छोटा सा बच्चा इसके संस्कार बिगड़ रहे हैं कभी माता पिता बैठाल करके बात करो अपने बच्चों से तो अब देखो बेचारा अकेले आया है पिता भी मर चुके। पिता भी मर चुके चुके हैं। हैं। माता? माता, तो गुरु है बस हाँ क्या करे वो अब भगवान की शरण में हो बच्चा तो वही सबके पिता तो राधा राधा जपे, जपे किसी शिव नाम जपे अगर शिव शिव नाम जप कर में तुम्हारी रुचि तो शिव शिव जप मंत्र न जपना ठीक है शिव शिव नाम में रुचि नहीं राधा राधा जप लेंगे वैसे अभी तुम्हें बहुत औषधि की जरूरत क्योंकि की दिमागी स्तर तुम्हारा गिर गया है औषधि आप कैसे बताए अच्छा हमारे अच्छा और... आराम से राधा राधा को और तुम दो चार बार आते रहना हमारे पास जब तुम्हें ज्यादा परेशानी लगे तुम आ जाना ऐसे थोड़ी देर बात करेंगे दोस्त की तरह सुधार पर अब हस्त में तुम तो नहीं करते महीना हो गया मतलब पुनरावृत्ति हो गई थी भैया ने मुझे गलत सलाह दे दी अब अभी दिमाग की स्तर ठीक नहीं क्या हमारी बात का असर पड़ेगा क्योंकि हमारी सारी हम नहीं करेंगे आपकी एकदम वाड़ी पेड़ी करेंगे अरे तुम फिर हमारे पक्के दोस्त हो जाओगे बस अब राधा राधा जब राधा राधा जब वो करना मत ठीक है पर कुछ गलत मत करना अपने साथ और भयभीत मत होना राधा राधा जपो कभी ऐसा लगे तो आप पढ़ाई तो कब अभी तो अभी <laughs> पहले स्वस्थ हो जाओ फिर पढ़ाई भी कर लेना ठीक है आगे। आगे। देखो बच्चा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तुम्हारे बड़े भाग्य हैं तुम आए ना यहाँ अब तुम सब ठीक हो जाएगा आनंद से पर राधा राधा जपो वो करना मत जो गंदी बात है और जहाँ तुम्हें मानसिकता परेशानी हो तो आ जाना तुम ठीक है